डीएम का अस्पताल में छापा, कई मिली खामियां, सीएमएस को दी कार्यवाही चेतावनी। यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल में अचानक डीएम रामपुर आंजनी कुमार ने छापामार कार्यवाही कर डाली, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम को अस्पताल में कई बड़ी खामियां मिली, जैसे अस्पताल परिसर में फैली गंदगी, एक बेड पर दो दो मरीज और डॉक्टरों की लापरवाही। इस पर डीएम ने नाराजगी दिखाते हुए सीएमएस को कार्यवाही की चेतावनी दी है। वहीं डीएम आंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, साफ सफाई से लेके जो मैनेजमेंट है, और मैंने उसका निर्देश दे दिया है। कई जगहों पे भी एक बेड पे दो दो मरीज देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास पर्याप्त जगह है, उस जगह का ट्रैकिंग करने को मैंने बोल दिया, और दो दिन तीन दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। मेरा पहला किट है, होपफुली इसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। कि दो चीजें हैं, एक तो डॉक्टरों की जो प्रॉब्लम है केवल जनपद स्तर पे सॉल्व होने वाली नहीं है, और प्रदेश स्तर पे भी देखें तो डॉक्टर्स की विलिंगनेस के ऊपर है कि अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर को सेलेक्ट, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पहले भेजे नहीं गए, डॉक्टर आए वो यहाँ पे रुके नहीं, वो एक अलग इशू है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पे हम कोशिश करें यहाँ लगाने की जो विलिंग भी हो रुकने के, प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति सुधरे। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि नर्स रात को सो जाती है, सर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखता हूँ कि कैसा क्या वीडियो, अभी मैंने देखा नहीं है। देखिए बेसिक चीज ये है कि जो ड्यूटी है ड्यूटी पे सारे मुस्तैद हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से सुविधाएं लोगों के लिए अपेक्षित है वो मिले, और इसके पहले या बाद में कोई क्या करता है मैं उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, जितनी अपेक्षाएं हैं लोगों की और जितनी सरकार और शासन और यहाँ प्रशासन की जो उनसे ड्यूटीज की अपेक्षा है उस पर वो खड़े उतरे, इतना मैं चाहूँगा।